हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का डी ब्रोक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं संक्रमण धातु यौगिक के संकुल संक्रमण धातु के संकुल यौगिक तथा उप सहसंयोजन संख्या एवं जाबी। ये बीएससी सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है। संक्रमण धातु संकुल यौगिक, तो यौगिक का मतलब क्या है और संक्रमण धातु संकुल यौगिक क्या है? तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं, कोई संकुल यौगिक जो बनता है उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए कि धातु का आकार छोटा हो। यानी डीब्रोक एलिमेंट्स में हमने संक्रमण धातुएं पढ़ी है, उन संक्रमण धातुओं का ये गुण होता है कि वो संकुल यौगिक बनाता है। ऐसा वो क्यों करते हैं? तो उसके रीजन है कि संकुल यौगिक कब बन सकते हैं, कि धातु का आकार क्या हो, छोटा। दूसरी बात, संक्रमण धातु पर आवेश कैसा होना चाहिए, अधिक। तीसरा है, संक्रमण धातु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो। अगर ये तीन चीज है किसी भी संक्रमण धातु के पास तो संकुल यौगिक बढ़ा सकती है। ट्वेल्थ में हमने पढ़ा था उप सहसंयोजक यौगिक, यानी संकुल यौगिक क्या होता है। संकुल यौगिक में सबसे पहले कोई केंद्रीय धातु परमाणु यानी संक्रमण धातु होती है मेटल, इस मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड कितनी संख्या में जुड़े हैं वो, और ये संकुल यानी संकुल यौगिक को बड़े ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है एन, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु। एन जो होता है वो होता है लिगेंड, एन जो है वो आपका है उप सहसंयोजन संख्या। वैसे इन संकुल यौगिक के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर, जो केवल उप सहसंयोजक के बारे में है। अब बात हम करते हैं उप सहसंयोजन संख्या, यानी क्या है ये उप सहसंयोजन संख्या, क्या है ये उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो ध्यान देना, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उन बंधों की जो संख्या है वही क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या। यानी कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उप सहसंयोजन बंध बनाएगा वही उसकी क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या। ये जो उप सहसंयोजन संख्या है इससे केंद्रीय धातु परमाणु की ज्यामिति और संरचना के बारे में उसका पता चलता है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि उप सहसंयोजन संख्या और उसकी ज्यामिति क्या है, उप सहसंयोजन की संख्या कितनी है और उस संकुल की ज्यामिति क्या होगी, किससे पता चलता है, इससे। ये बता दिया कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजन संख्या एवं ज्यामिति। अभी तक जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा है कि संक्रमण धातु संकुल यौगिक क्यों बनाती है, उसके रीजंस क्या है। तो भी संक्रमण धातु जो है उनके आकार छोटे होते हैं, उनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, उन पर आवेश अधिक होता है। तो देखो उप सहसंयोजन संख्या, मैं एक सिंपल सा यहां पे रूल बता देता हूं, हो सकता है वो रूल कोई एक दो क्वेश्चन में ना लगे, यानी एक दो कंपाउंड जैसा जो अपवाद नहीं लगेगा। तो अपन सबसे पहले ही पढ़ते हैं उप सहसंयोजन संख्या, ठीक। उप सहसंयोजन संख्या
संकुल यौगिक में दो प्रकार की मिल जाएगी आपको, एक तो उपसहसंयोजन संख्या चार और एक उपसहसंयोजन संख्या छह, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसहसंयोजन संख्या जब चार मिलेगी तो उसमें संकरण क्या तो हो सकता है एसपी थ्री या हो सकता है संकरण डीएसपी टू, क्लियर। जब आपके पास संकरण सॉरी उपसहसंयोजन संख्या छह हो तो क्या तो उसमें संकरण हो सकता है एसपी थ्री डी टू या संकरण हो सकता है डी टू एसपी थ्री। अब क्या होता है, जब संकरण एसपी थ्री होता है तो उसकी जो ज्यामिति है वो होती है चतुष्फलकीय। कैसी ज्यामिति होगी? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बढ़ाओगे कैसे? ये जो ज्यामिति है ये कैसी है भाई? चतुष्फलकीय। जब डीएसपी टू संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय, और वर्ग समतलीय ज्यामिति कैसे बनेगी? मेटल, ये वर्ग समतलीय ज्यामिति। एसपी थ्री डी टू होगा तो उसकी ज्यामिति जो है वो ऑक्ट्राहेड्रल होगी, अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी बनेगी? अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय ज्यामिति में छह होंगे उपसहसंयोजक। इसकी ज्यामिति भी कैसी होगी? अष्टफलकीय, ये। अब बात यह है कि उपसहसंयोजन संख्या चार है, चलो मान लेते हैं देख के, तो संकरण आपके पास क्या था एसपी थ्री होगा, अब एक डीएसपी टू होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें एसपी थ्री कब होगा डीएसपी टू कब होगा? तो एसपी थ्री कब होगा? ये होगा दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। और ये क्या होगा? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। जो एसपी थ्री डी टू है ये तो होगा दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, जबकि ये किसकी उपस्थिति में होगा? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति। अब ध्यान देना, हम जब उपसहसंयोजक यौगिक जो यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम बीबीटी पढ़ेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत, और संयोजकता बंध सिद्धांत में यही चलेगा टोटल, ठीक। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में संकुल जो बढ़ता है वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बढ़ता है। और ये कैसा बनता है? निम्न चक्रण संकुल। ये कैसा बनेगा? उच्च चक्रण संकुल। और ये कैसा बनेगा? निम्न चक्रण संकुल। तो ये एक ट्यूटोरियल हो गया कि उपसहसंयोजक संख्या से हमें किसी केंद्रीय धातु परमाणु में जो संकुल यौगिक है उसकी ज्यामिति का निर्धारण कैसे करें। अगर आपके पास उपसहसंयोजक संख्या चार है तो संकरण आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं, क्या तो एसपी थ्री होगा या डीएसपी टू होगा। एसपी थ्री जब होगा तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय बनेगी, डीएसपी टू होगा तो वर्ग समतलीय बनेगी। चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसी होगी, वर्ग समतलीय ज्यामिति ऐसे होगी। जब आपके पास उपसहसंयोजक संख्या छह हो तो उसमें संकरण दो टाइप्स का हो सकता है, क्या तो एसपी थ्री डी टू होगा या फिर डी टू एसपी थ्री होगा। इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, इसकी ज्यामिति भी अष्टफलकीय होगी, ये ज्यामिति होगी। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में होगा ये संकरण, ये जो है संकरण प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होगा, ये दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में संकरण, ये प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में संकरण। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में जो संकरण हमेशा बनते हैं वो कैसे बनते हैं? उच्च चक्रण संकुल। और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में जो संकुल बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं हमेशा निम्न चक्रण संकुल, क्लियर है। तो क्या ये याद रखो। अब दिक्कत ये है कि दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड क्या होते हैं। तो अपन ने 12th में एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, उस स्पेक्ट्रो रासायनिक में क्या क्या है कि लिगेंड को उनकी बढ़ती सामर्थ्य के क्रम में लिखा है और उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक
स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी हमें ये बताएगी कि कौन सा लिगेंड दुर्बल है, कौन सा लिगेंड प्रबल है। तो वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में हम आगे पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि लिगेंड ये दुर्बल है और ये प्रबल है। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं कैसे। देखो मैं दो क्वेश्चन कराता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट निकल Cl4-2 और एक संकुल मैंने दिया निकल Cl4-2। ये दो लिखे, दो संकुल यौगिक है निकल के। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, चार, और यहां पे भी कितनी है, चार। इट मींस ये हुआ यहां उपसहसंयोजक संख्या चार है, तो इसका मतलब ये हुआ दो टाइप का संकरण हो सकता है, क्या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। तो कौन सा होगा? तो यहां जो लिगेंड है सीएल है वो लिगेंड दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में आपके पास संकरण क्या होता है, sp3। तो इसमें संकरण आएगा sp3। अब यहां जाओ, ये जो सीएल है ये लिगेंड है प्रबल, और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में संकरण हो जाएगा dsp2। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं, ये सारी चीज हम वीबीटी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां जो पहले है ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं इसकी। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है इसकी, +2। +2 कैसे निकाली, देखो निकल का x एक सीएल पे -1, तो चार पे -4 = -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो देखो यहां +2 निकल ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखोगे, आर्गन 3d8 4s0। और संकरण का एक रूल है, संकरण में बाह्य कक्षक भाग लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहां से लिखता हूं निकल +2 का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 3d का हो जाएगा। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, देखो 8 है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8, और 4s क्या हो गया, 0। अब हम बात करते हैं किसकी, कि समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, और जो लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल। अब ध्यान देना Cl- एक दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो ऐसा कैसा लिखो इसको, हो गया ये ऐसा। हमें कितने कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, चार, अपने पास कितना है, एक, तो पीक का आगे वाला खाली होगा, ये 3d का है, ये 4s का है, और ये 4p का क्या हो गया, खाली। अब देखो क्या होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 1, 2, 3, 4, ये s का हो गया, एक s का और 3p के मैंने यूज कर दिए, इनके साथ cl जुड़ गया। तो जो संकरण आया क्या है, एक तो एस का है और पी के कितने हैं, 3, तो संकरण आ गया इसमें sp3। तो इसकी ज्यामिति क्या बनेगी भाई, तो ज्यामिति आएगी इसकी चतुष्फल की, कैसे बनाओगे, निकल सीएल 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 और इस संकुल के ऊपर -2 चार्ज। तो ये इसकी ज्यामिति, अगर आपसे कोई कहे इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो μ = √n n + 2 बोर मैग्नेट।
क्लियर है। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8 और 1 2, तो एम की वैल्यू इसमें 2 पुट अप कर लेना, जितनी वैल्यू आएगी वो उसका क्या आ जाएगा, चुंबकीय आवेग। और आपसे कोई पूछे ये अणु चुंबकीय होगा प्रति चुंबकीय, तो ध्यान देना इसमें 2 आयामी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी आएगी भाई, अणु चुंबकीय। ये तो ये हमने इस निकेल Cl4-2 का देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, निकेल Cl4-2 की। तो निकेल Cl4-2 कैसे निकालोगे वो देखो, सबसे पहले वही लिखोगे वहां निकेल के कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस टू, तो निकेल प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, निकेल प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 3d8 4s0। क्लियर, निकेल प्लस टू का गिनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकेल प्लस टू का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 10 का क्या है खाली। अब क्या लिख रहे हैं, यहां Cl लिगेंड था तो यहां क्या है, Cl- लिगेंड। Cl- लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा भाई, युग्मन। तो युग्मन होते ही देखो क्या बनेगा, 2, 2, 4, 2, 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन यही युग्मित हो गया, हो गए तो एक ही खाली बच गया, एक एस का, और पी के क्या चल रहे खाली, हमारे पास सी एन नंबर कितना है 4, तो हमें खाली कितने चाहिए 4 ही। तो देखो क्या आएगा, एक तो मैंने डी का खाली कर लिया, एक एस का ले लिया और 2 पी के ले लिया, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये सी एन, ये सी एन, ये सी एन, ये सी एन। तो संकरण आया आपके पास डी एक एक एस का, एक डी का, एक एस का, एक 2 पी के, तो संकरण आ गया DSP2। तो संकरण आपके पास DSP2 आया है तो इसकी ज्यामिति क्या आएगी, निकेल सीएन 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 वर्ग समतल, ये ज्यामिति। अब आपसे फिर पूछे कि निकेल सीएन फोर जो -2 है इसका चुंबकीय आवेगुण कितना होगा, तो 0 होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित अवस्था में, एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है अयुग्मित अवस्था में, अर्थात चुंबकीय आवेगुण 0। और इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अणुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो ये जो होगा ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में। क्लियर, आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सीएन नंबर 4 के एग्जाम्पल थे, एक हम बात करते हैं सीएन नंबर 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, दूसरा ये तीसरा एग्जाम्पल है Fe(H2O6) +2। तो सबसे पहले यहां ये देखिए, यहां से ये नंबर 6 सबकी बात, अब तो यहां ये देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर +2, यानी यहां की +2 का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, आर्गन 3d6 4s0, ये होगा। तो Fe+2 का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे बताओ, 3d6 है अभी, 1, 3 हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 एस का खाली, ये हो गया, ये 3d हो गया, ये 4 हो गया और 4p खाली आपका। अब आप यहां देखो जो H2 है वो कैसा लिगेंड, तो दुर्बल लिगेंड H2, H2 क्या है, दुर्बल लिगेंड,
अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो फिर आप ऐसे ऐसे लिखोगे, दो तीन चार, एक दो तीन चार, और ये आपके 5 हो गए, एक एस का और 3 पी के। अब हमें कितनी खाली चाहिए? 1 2 3 4 है, हमें चाहिए 6। तो देखो क्या होगा, ये डी का तो मैं ऐसे लिख देता हूं, हो गया, एक एस का ले लिया मैंने, 3 पी के ले लिया मैंने, और 2 डी के लिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके आगे डी खाली होगा आपका, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। ये कौन सा है, 3D, 4S, 4P और ये 4D। तो ये देखो क्या आया संकरण इसमें, ये H2 है सारे, H2O, कितना आया संकरण, sp3d2, और sp3d2 आया है। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो अष्टफल की बनेगी, और इस संकुल पे टोटल चार्ज कितना है, +2। ज्यामिति क्या आ गई, अष्टफल की। इस संकुल की प्रकृति क्या होगी, तो 4 आयन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अणुचुंबक की होगी। चुंबक क्या गुण क्या होगा, 4 आयन इलेक्ट्रॉन है, चुंबक क्या गुण निकालोगे, किस फॉर्मूले से, अंडर रूट एन प्लस 2 बोर मैग्नेट से, एन की वैल्यू 4 रखो, क्लियर। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब मैं फोर्थ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, Fe(CN6-4)। इसमें आपको करना है, ये जो CN है ये परबल लिगेंड है, अब आपको करना क्या है, अब परबल लिगेंड के पास 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन, ठीक। थैंक यू।